हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा वेक्टर कैलकुलस है, वेक्टर कैलकुलस बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड सेम के लिए हमारा क्वेश्चन पेपर है वेक्टर कैलकुलस के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं जो कब का ये, जुलाई 2019 में जो भी हुआ था वही क्वेश्चन पेपर है ये। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा सो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर। हमारे पास ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। ठीक है, हमें ये निकालना है। इसने बोला ये कोप्लेनर है तो हमें क्या निकालना है, हमें लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसने क्या बोला कि ये तीनों कोप्लेनर है तो हमें लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। ये तीनों कोप्लेनर कब होंगे, जब इनका वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, जीरो का, जीरो के इक्वल होगा। तो इनका वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना, आप लोग जीरो के इक्वल पुट करना और यहां से आपको लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ ए बी सी डिनोट्स द रेसिप्रोकल थ्रेड ऑफ वेक्टर्स प्रूव दैट ए मल्टीप्लाइड बाय ए डैश प्लस बी मल्टीप्लाई बाय बी डैश प्लस सी मल्टीप्लाई बाय सी डैश। सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्या इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है इनके बीच में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ अ स्केलर वेरिएबल टी टू हैव अ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड इज एफ का डॉट है डी एफ बाय डी टी के साथ इज इक्वल टू जीरो। ये भी आपको प्रूव करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो ये दे रखा है और एक टाइप का क्वेश्चन और आता है जिसमें हमारे पास क्या प्रूव करना है, हमें इसका, हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट प्रूव करना होता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आ सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से करके जाइएगा, इसकी नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन आप देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल्स मूव्स अलोंग द कर्व एक्स वाई जेड वेयर टी इज टाइम, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू वन इन द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे प्लस थ्री के। ठीक है, तो हमें इसको सोल्व करना है। हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, पार्टिकल्स दे रखे एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पे टी क्या है, टाइम है, हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का आपको पता ही होगा, तो हमें ये सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में हमें शो करना है, हमें क्या शो करना है, हमारे पास दे रखा है वेक्टर एफ आर क्रॉस, उसका क्रॉस प्रोडक्ट है आर के साथ इज इक्वल टू जीरो, वेयर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, हमें प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, यूनिट जो सेकंड है यूनिट हमारी पास, जो ग्रेडियंट था और कर्ल था जिसके अंदर, वो मैंने आपको करवा रखी है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी उसकी, तो आपको कुछ डाउट हो तो आप वहां से देख सकते हैं। मैंने पार्ट है उसमें, कम 12 पार्ट है या 10 पार्ट है, वहां से आप कर सकते हैं इसको। बी में क्या है, वॉट इज द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फाइव इज इक्वल टू एक्स वाई जेड का स्क्वायर एट पॉइंट 103। आपको ये निकालना है, इसको तो आप ग्रेटेस्ट रेट निकालना है इसका। ग्रेटेस्ट रेट निकालने में क्या करता है, हमें इसका मैग्नीट्यूड करना पड़ता है सिर्फ। ठीक है, फोर्थ में क्या आएगा, इफ डाइवर्जन फाइव आर, आर का वैक्टर इज इक्वल टू जीरो, वेयर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर है, देन हमें ये वाला प्रूफ करना है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड कर्ल एफ ऑफ द फंक्शन, ये हमें गिवन दे रखा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कर्ल एफ निकालना है, उसके बाद में जो कर्ल एफ आएगा उसका अगेन हमें कर्ल करके निकालना है। ठीक है, उसके बाद में ये डिराइव द फॉर्मूला ऑफ डाइवर्जन ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ इन द टर्म्स ऑफ कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स, एक्सप्रेस करना है एक्स आई प्लस टू वाई जे प्लस वाई जेड के इन द स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सिक्स्थ में क्या, एक्सप्रेस द वेक्टर फील्ड टू वाई आई माइनस जेड जे प्लस थ्री एक्स के इन द स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, प्रूव करना है डी बाय डी टी ऑफ ई का कैप फाई इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा बाय डी टी ई की कैप आर माइनस कोस थीटा डी थीटा बाय डी टी ई की कैप थीटा करना है हमें। उसके बाद में सेवंथ पार्ट में क्या करना है, फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ एफ अराउंड अ कर्व सी वेयर एफ इज इक्वल टू वाई आई प्लस जेड जे प्लस एक्स के एंड सी इज द सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन और जेड जीरो में गिवन है। इसमें हमें ये एवेल्युएट करना है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां से। अब ये देखिए, एट्थ क्वेश्चन में क्या है, स्टेट एंड प्रूव करनी है हमें गॉस डाइवर्जन थ्योरम। ठीक है, उसके बाद में एवेल्युएट करना है बाय स्टोक्स थ्योरम, हमें ये करना है, ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखिए, जो सेक्शन फिफ्थ होता है, सेक्शन फिफ्थ में क्या होते हैं, जितनी भी हमारी सारी यूनिट्स है उनमें से हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं चार्ट के। इसमें हमें आर दे रखा है साइन टी आई के क्या प्लस कोस जे प्लस टी के दे रखा है, हमें ये फाइंड आउट करना है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है इफ एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, जेड इज इक्वल टू जे, तो फाइंड हमें करना है थीटा, ये डेल्टा थीटा में फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर एविलेट करना है हमें ये क्वेश्चन, देख लीजिए आप ये क्वेश्चन यहां से। डी में हमें व्हाट इज द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ यू दे रखा है एट पॉइंट, इस पे निकालना है हमें। फिर इफ आर इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द डायवर्जन आर, और स्टेट करना है ग्रीन्स थ्योरम। भाई ग्रीन्स थ्योरम जो स्टोक्स थ्योरम है ना, इसके फॉर्मुलेज जो है, जो थ्योरम है उसको थोड़ा लर्न करके चले जाना, क्योंकि ये लास्ट में फॉर्मूले में जरूर पूछते हैं कि इन दोनों में से कोई सा एक बताइए। अगर आपको वो ड्राइव करनी नहीं आती, कम से कम अगर आपको कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है तो आप उसको लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एक क्वेश्चन था वेक्टर कैलकुलस का, हमारा क्वेश्चन था जुलाई 2021 का, ठीक है। और जो सेकेंड यूनिट है उसकी आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।